सो हेलो गाइस, अंधेरा कायम रहे, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस यहाँ पे ना मैं लेके आ चुका हूँ ड्रैगन सॉरी मॉन्स्टर हंटर का एक और नया एपिसोड। ये गुफा जो है ना गाइस, जिसके तुम्हारा भाई किंग है भाई, ठीक है। इस गुफा का जो ना गाइस किंग कौन है, तुम्हारा भाई है। बट इस गुफा में ना काफी ज्यादा सोना तो है भाई, जगह सोना सोना लगे, बरबर के सोना है इस गुफा में। बट ये गुफा में अंधेरा काफी ज्यादा है और मैं जूनियर जी का फैन हूँ, ठीक है। मैं उस भाई जूनियर जी का विलेन जो था ना कि अंधेरा कैमरे, उसका फैन नहीं हूँ। इसलिए मैंने सोच रखा है कि इस गुफा के अंदर हम लोग हमारा घर नहीं बनाएंगे, लेकिन वो जो गुफा है वहाँ पे हम लोग हमारे जो डायनोस होंगे उनको रखने के लिए जगह जरूर बनाएंगे। लेकिन अभी जो ना कि मैं वहाँ पे घर बनाने नहीं वाला हूँ। मेरा घर बनाने के लिए ना मैंने ध्यान रखी है कि अपन एक खूबसूरत से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से आइलैंड पे जाएंगे और वहाँ पे अपना खुद का प्राइवेट पर्सनल घर जो है ना गाइस वो बनाएंगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ से मैं निकल लूँ, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही, अरे मॉन्स्टर्स ना गाइस रुको, ये मॉन्स्टर्स ना कान के पर्दे फाड़ देंगे, तो गेम का वो थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं। बाकी आज का जो एपिसोड है मॉन्स्टर हंटर का वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप लोग को आर्क पीसी आर्क मोबाइल माइनक्राफ्ट बेडरॉक जावा वर्जन के सर्वर बनाने, नीचे निट्राडो का लिंक है वहां पे क्लिक करके आप लोग सर्वर बना सकते हो। और गाइस अगर आप लोग को यहाँ पे आर्क पीवीपी और आर्क पीडीएस के वीडियो देखने हैं तो नीचे जो है ना आपको गेमिंग भी दानी के चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोग आर्क पीवीपी और फिडेस के वीडियो जो है वो देख सकते हो। तो जरूर से चेकआउट कर लेना गेमिंग विद्यार्थी के चैनल को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। मेरे पिछवाड़े पे आग लगा दी भाई, आग लगा दी मेरे पंप पे आग लगा दी। भागने दो भाई मॉन्स्टर से। मैं कहां पे जा रहा हूँ अभी आपको पता चलने वाला है। रिको जरा सियाबर करो, सियाबर यहाँ से ना सामान लेके चल। ये मॉन्स्टर हंटर में बस अभी आप लोग ने बस एक दो मॉन्स्टर ही देखे हैं, बाकी खतरनाक से मॉन्स्टर जो ना गाइस उनसे हमारी मुलाकात जो है वो हुई नहीं है। भाई इधर आ पैरासोरस वरना बैंड बज जाएगी। अपने पुक्कू का भाई माल समझ रखा है इसको, कितनी दो लोग हो क्या, चलो माफ कर दिया तुमको भाई, दो लोग थे इसलिए माफ कर दिया वरना मार देता मैं, ठीक है। क्षमा दे दी मेरे से माफी मांग रहे थे, बोल रहे थे भाई क्षमा कर दो, तो मैंने उनको छोड़ दिया है। अभी मुझे भरभर के वुड चाहिए भाई, ठीक है, मेरे को भरभर के वुड एंड स्टोन चाहिए, वही मैं अभी फिलहाल के लिए आप इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना वहाँ पे मैं अपना प्यारा सा घर बना सकूँ। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मसड़ मचती यार, ये ऊ आ करते रहते गाइस ये मॉन्स्टर्स, ठीक है। इनको मैं टेम करूंगा, अगले एपिसोड में ही टेमिंग चालू हो जाएगी, आप टेंशन को लेना गाइस, ठीक है। आग वगैरह ना लगा दे, भाग दे दो यहाँ से भाई, आग लगा दी ना उसने तो भाई बैंड बच जाएगी। यहाँ से स्टोन वगैरह इकट्ठा करने दो, मैं अपना प्यारा सा घर जो है ना कि जो कहाँ पे बनाऊंगा भी आपको पता चलने वाला है। मुझे बस यहाँ से ना भर के स्टोन एंड भर के वुड जो है ना गाइस वो लेके जाने दो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ गाइस समंदर के बीच में अपने पर्सनल प्राइवेट आइलैंड पे, और उस प्राइवेट आइलैंड पे हम लोग हमारा विला बनाएंगे। मतलब विला के तरह दिखेगा नहीं, लेकिन हमारे लिए हमारा घर जो है वो विला के तरह रहेगा, चार दिवाली वाला, ठीक है। रुको मुझे यहाँ से भर के इकट्ठा कर लेना है वुड थैच वगैरह, ताकि मैं अपना जो घर है ना गाइस वो बना सकूँ। स्टोन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ना, फ्लिंट वगैरह भाई, फ्लिंट भी इकट्ठा कर, थैच इकट्ठा कर ले भाई, थैच इकट्ठा कर ले। मैं सामान इकट्ठा करके गाइस यहाँ से उस प्राइवेट आइलैंड पे जा रहा हूँ, और उस आइलैंड पे जाने के लिए मुझे ना बोट की ज़रूरत पड़ेगी। या तो मैं क्या करूँगा बताए, जब हम लोग भाई यहाँ पे थोड़ा सा पावर में आएंगे ना तो एक ब्रिज बना दूंगा, ब्रिज सीधा ब्रिज भाई, अपने आइलैंड को कनेक्ट करने वाला प्राइवेट ब्रिज बना देंगे हम लोग ब्रिज, ठीक है। अरे पकना भाई, अरे हटना, हाँ चलो 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 चलो, मुझे थैच इकट्ठा करने दो, क्योंकि घर बनाने के लिए इसकी ज़रूरत जो है जो कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी। फाइबर वगैरह तो मुझे वहाँ पर मिल जाएगा शायद से ना, हाँ ठीक है चलो आ जाओ, बैठ जाओ इसके ऊपर। चलो भाई मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ मेरा प्राइवेट आइलैंड जो है जो कहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग जाने वाले, वो सामने की तरफ देख रहे हो गाइस, वो सामने की तरफ, वो तेरे भाई का प्राइवेट पर्सनल आइलैंड है भाई, ठीक है। प्राइवेट पर्सनल आइलैंड जहाँ पे अभी तुम्हारा भाई जाके अपना घर बनाने वाला है। वो केव के अंदर ना कुछ ज़्यादा ही भाई धुआ था, ठीक है, धुआ नहीं था सॉरी, अंधेरा था, इसलिए वहाँ पे हम लोग घर नहीं बना रहे। कम ऑन, हाँ चलो, हाँ भूख लगी है ब्रो भाई, टेंशन नहीं लेने का, मेरे पास हन्नी पड़ी हुई है वो खा ले, हन्नी खा ले, 500 हन्नी लेके जा रहा हूँ भाई मैं साथ में। एक फूजदू रॉक भी है यहाँ पे, ठीक है। एक काम करो, अभी एक राफ्ट बनाएंगे हम लोग, हाँ भाई, ओ इसको पानी में डालेंगे,
और इसकी मदद से सीधा हम लोग जाएंगे। हाँ मेरी जान, अबे डालना, नीचे उतरना पड़ेगा इसके लिए भाई। हाँ भाई पैरासोरस चढ़ जाओ ऊपर। आ मेरी जान, राइड कर ले ब्रो। चलो गाइस हम चले हमारे पर्सनल प्राइवेट आइलैंड पे, वहाँ से लेके यहाँ तक ब्रिज बनाएंगे हम लोग। थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा गाइस इतना दूर ब्रिज बनाना? मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है गाइस, बना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो सामने देख रहे हो, वो तुम्हारे भाई का पर्सनल प्राइवेट आइलैंड भाई, ठीक है। गुफा विफा में नहीं रहेगा अपन भाई, केव मानो समझाएगा मेरे को। ये भाई पैरासोर जंप भी नहीं कर देना यहाँ से भाई, ठीक है, जंप वगैरह नहीं करना। रुको इसको पैसिव कर देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। अंधेरे में जो है ना गाइस खास कुछ दिखाई भी नहीं देता अच्छे से, और रिकॉर्डिंग में जो है ना पूरा काला काला हो जाता है भाई रिकॉर्डिंग, इसलिए मैंने ठान रखा, मैंने सोचा ये कि भाई अंधेरे में रहने से। उई मैं यहाँ पर ट्री हाउस भी बना सकता हूँ, बड़े से ट्री पे ना गाइस, आपको क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है मैं यहाँ पर ट्री हाउस बना सकता हूँ। अगर बना पाया ना तो भाई ऊपर ट्री हाउस और नीचे अपना घर, भाई फुल मजे ही मजे भाई। लेट्स गो, ये बड़ा सा ट्री जो ना गाइस वहाँ पे मैं ट्री हाउस बना सकता हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है देखते चलो, देखते क्या सीन है, क्या सीन है देखते हैं। और सामने भी आइस वाला आइलैंड है, बट आइस वाले आइलैंड पर बर्फ़ के मारे ठंड के मारे हम लोग मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा प्राइवेट जो है ना गाइस आइलैंड पे घर बनाएंगे, ठीक है। ये पार्क कर दे बोट। हाँ मेरी जान, लेट्स गो, पहुँच गया तुम्हारा भाई यहाँ पे इस आइलैंड पे, ठीक है। अरे यार राइट क्लिक दबा रहे हैं भाई, लेफ्ट क्लिक नहीं। ओके ये बड़ा सा ट्री है, मेरे हिसाब से मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूँ। कैन आई तोड़िंग दिस ट्री? कैन आई? नहीं 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 तोड़ सकता, अच्छी बात है, मतलब मैं यहाँ पे ट्री हाउस भाई बना सकता हूँ, ठीक है। अपना ट्री हाउस जो ना कि इस घर के ऊपर, भाई घर नहीं सॉरी, इस पेड़ के ऊपर बनेगा, ओके। लेकिन ट्री हाउस बनाने के लिए सीमेंटिंग पेस्ट वगैरह चाहिए होता है, सो वो अभी नहीं है फिलहाल के लिए हमारे पास। तो हम लोग जो ना कि नॉर्मल घर बनाने के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ओके। सो नॉर्मल घर बनाने से पहले मुझे ये वाला एरिया क्लियर करना पड़ेगा। मेरा छोटू सा घर गाइस मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ, ओके। छोटू सा नन्ना सा मुन्ना सा घर, ओके। अपना बड़ा वाला घर जो है ना गाइस वो ट्री हाउस पे बनाएंगे, ये ट्री हाउस पे अपन ट्री फाइव फार्म बनाएंगे। फार्म रुको, बहुत जल्दी सब कुछ होगा, पहले तो मुझे ये क्लियर कर दे दो। इतना बड़ा एरिया इनफ है क्या? यहाँ पे इन मॉन्स्टर्स की आवाज़ें भी नहीं आ रही है ना, तो मैं हाँ इसे भाई कर देता हूँ वॉल्यूम फुल, ठीक है। ऑल राइट, ये काम 25 सब तोड़ डाल भाई, इतना बड़ा एरिया चाहिए भाई, बताओ। अब मैं थोड़ा फाइबर भी इकट्ठा कर लेता हूँ, बस इतना इनफ है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया हो गया यार। तो ये भी तोड़ दे भाई, पर्सनल प्राइवेट आइलैंड पे तेरा भाई का घर, ठीक है। बस बस जा भाई, सारी की सारी भाई घास फूस नहीं तोड़नी है, ठीक है ब्रो। बस काम 25 है, यहाँ पे अपना घर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस वाले एरिया में अपना घर बनेगा, जो पेड़ है ना उसकी छाव में आराम से। रुको मुझे अभी यहाँ पे सिकल्स हैं, ये जो पेड़ पौधे लाइक ये है ना गाइस, ये घास फूस वो हटाने दो, ओके। ये हटा देता हूँ और यहाँ पे हमारा घर बनाने का काम चालू कर देंगे। इससे जो ना हम लोग को फाइबर भी, अरे एक काम कर लेता हूँ, फाइबर में ज़्यादा इकट्ठा तो नहीं करना चाहता हूँ। कितना हो रहा है? 10,000 फाइबर इकट्ठा करता हूँ, फिर पैरासोरस से पूरा का पूरा एरिया क्लियर कर देता हूँ। बेरीज वगैरह जो है गाइस वो भी मेरे को मिल जाएगी और हमारा घर जो है गाइस वो भी बन जाएगा, ठीक है। रुको इधर आ भाई पैरासोरस, ओके। हाँ यहाँ से क्लियर करना चालू करे लो, बेरीज वगैरह जो है गाइस वो भी हम लोग को जो है ना यहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ कुछ भाई पेड़ पौधे टूट ही नहीं रहे, कुछ कुछ टूट ही नहीं रहे भाई। ये ले ये ले ये ले, हो गया ना। यहाँ का ये वाला पूरा एरिया क्लियर करना है। ये ऑटो डिटेक्शन जो है ना गाइस वो एक्चुअली में अपना माउस खराब है, उस रीजन से हो रहा है, ठीक है। मेरा लेफ्ट एंड राइट क्लिक एक साथ ही दब रहा है, उस रीजन से ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ रही है। ओके इनफ है, क्लियर तो कर दिया ना पूरा। हाँ बेरीज तो काफ़ी ज़्यादा मिल गया हम लोग को। उड़ा उड़ा इसको भी उड़ा ना इसमें, ठीक है चलो। सो यहाँ पे हम लोग हमारा घर जो है जो बनाने का काम चालू कर देते हैं, ठीक है। सो मुझे सबसे पहले बना लेनी गई यहाँ पे फाउंडेशन, बराबर 100 फाउंडेशन। कितना हाइट से बनेगा अपना घर? ये वाला हाइट पे रख देता हूँ ना मैं, सामने की तरफ मुँह करके इस वाले हाइट पे रख देता हूँ, ओके। इसको तोड़ दे भाई, वो 100 बन भी गया, वाह नाइस, ओके। चलो भाई एक काम कर लेता हूँ, मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड चालू करता हूँ, क्योंकि आज हम लोग को काफ़ी काम करना है, ठीक है। घर बनाने के साथ साथ मुझे दूसरे काम जो है गाइस वो भी करना है,
तो मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड चालू करता हूँ, जैसे घर बन के रेडी हो जाएगा वैसे हम लोग आपसे मिलते हैं, ठीक है? रुको गाइस। But it's too late now. I remember you and me. And how careless we were. Yeah. All day and all night. We'd stay up. It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Long fights, it felt right. We were alive. We would go out, we were so loud. We were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless. We were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine. Drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive. Never arrive, our journey was live. Staying out late, testing our fate. Running away, we live for today. Young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. And how can
be. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. never run off. We'd hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. चलो गाइस, तो हमारा घर फाइनली बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर साइड यहाँ पे चढ़ने के लिए ना, एक मिनट रुक जाओ गाइस, मैं अंदर साइड से यहाँ से जगह बना लेता हूँ। लाइक स्टेयर्स वगैरह लगा दूँ या क्या कर दूँ? ऊपर चढ़ने के लिए बस रास्ता बनाना है, बाकी तो सब कुछ हो चुका है गाइस, ठीक है। बस ऊपर चढ़ने के लिए जो ना कैसे एक रास्ता बना लेना है। सो मे बी यहाँ से इस तरीके से रास्ता बनाना सही होगा। यहाँ से इसे ऊपर चढ़ जाएंगे, इजी पीजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है। यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे, ये रहेगा हमारा ऊपर चढ़ने का रास्ता। दोनों साइड से बना लेता हूँ भाई, सेम टू सेम भाई, ठीक है। ओके, अगर अंदर जाना है तो चार गेट है, यहाँ से हम लोग आ सकते हैं, यहाँ से। अच्छा एक काम कर लेता हूँ, इधर से और उधर से, ठीक है। चलो आ जाओ, ऐसे रास्ता बना लेते हैं। जिगजैग वाला रास्ता रहेगा, उस गेट से आए तो यहाँ से चढ़ जाएंगे, इस गेट से आए तो वहाँ से चढ़ जाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ऊपर रेलिंग लगा दूँ क्या? ऊपर रेलिंग की तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तड़ा, ये देखो यहाँ से आ गए तो ऐसे चढ़ जाएंगे, समझ लो हम लोग भाई उधर से आए, ऐसे यहाँ से आए तो यहाँ से चढ़ने के लिए ये वाला रास्ता यूज़ करेंगे और हम लोग ऐसे टॉप पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे जो ना कि मुझे क्रॉपलर्स बनाने, बट क्रॉपलर्स बनाने के लिए मे भी हम लोग को थोड़ा सा स्टोन वगैरह जो ना कि वो कम पड़ जाएगा। एक काम करो, थोड़ा सा डेकोरेशन का काम चालू कर देते, स्मिथी वगैरह और दूसरी जो चीज़ें है भाई वो भी हम लोग को बना लेनी है, वो भी बना लेते हैं। यहाँ पर लगेगा ये मैप, ठीक है, यहाँ पर भी लगेगा इस तरीके से ये मैप, और एक लगेगा यहाँ पे और एक लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आखिरी वाला लगेगा यहाँ पे, टड़ा। बाकी फोर्ज वगैरह जो है ना गाइज, वो भी हम लोग को बनाने। सो फोर्ज वगैरह बनाने के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं पे बना लूँगा एक छोटी सी जगह, क्योंकि फोर्ज कुछ ज़्यादा ही लाउड आवाज़ करते हैं। कोई ना, चलो गाइज मैं छत पे फोर्ज लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। फार्मिंग भी छत पे हो जाएगी और हमारे फोर्ज वगैरह जो है गाइस वो भी छत पे लगा देते हैं हम लोग। एक मिनट रुक जाओ, फोर्ज में बना सकता हूँ क्या? मुझे पहले देखने दो यहाँ पे फोर्ज, 1 2 3 4 5, ओके फोर्ज बना सकता हूँ। क्रॉपलोड कितने बनेंगे बताऊँ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ठीक है। रुको गाइस, मैं ऊपर जाके देख के लगा देता हूँ डायरेक्टली, ताकि पता चल सके कितने क्रॉपलोड वगैरह लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। फोर्ज एक लाइन में लगेंगे और क्रॉपलोड एक लाइन में लगेंगे, ठीक है। ये अपने क्रॉपलॉट रहेंगे, बारिश का पानी जो ना कि जिसके अंदर आ जाएगा तो डायरेक्टली फार्मिंग वगैरह चालू। दो और क्रॉपलॉट, बस ज़्यादा नहीं, बस दो यहाँ से आ सकते हैं ना, हाँ आ सकते हैं। उसके बाद लाइन से यहाँ पे लग जाएंगे हमारे फोर्ज जितने भी है वो सारे के सारे, ठीक है। लाइन से इस तरीके से अच्छे से लाइन से जो ना कि लग जाएंगे भाई, देख रहे हो, सस्ते सस्ते नचे देख रहे हो मेरे माउस के, ठीक है। कैंसिल कर रहा बार बार, कितने और फोर्ज लगेंगे यहाँ पे? वैसे इतना मेटल भी नहीं मेरे पे जितने में फोर्ज लगा रहा हूँ यहाँ पे, बट थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए लगाना पड़ता है सर। एक और लगेगी यहाँ पे, आखिरी वाली हमारी
फोर्ज, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्ज लगेगी इस तरीके से, और यहाँ पे क्रॉपलर जहाँ पे मैं सारे कैसे सीड वगैरह जो है गाइस वो लगा दूंगा। अभी यहाँ पे काम कर लो, स्प्लिट अप कर लो पहले तो। मेटल मेरे पास भाई 320 पड़ा हुआ है भाई, वाह भाई वाह, 320 मेटल से मैं क्या ही कर लूँगा। एक स्मिथी वगैरह जो है ना गाइस वो तो बन सकते हैं ईजीली, सो वो यहाँ पे हम लोग बनाने के लिए डाल देंगे ही। ओके, स्टोरेज बॉक्स, रुको एक काम करो, फायर प्लेस 1 2 दो फायर प्लेस जो है गाइस वो भी लगा देंगे यहाँ पे, दो फायर प्लेस नहीं एक ही लगा देता हूँ मैं यहाँ पे बीचों बीच, यहाँ पे ना बीचों बीच बस एक ही फायर प्लेस लगेगी जिसके अंदर सारा का सारा मीट जो है गाइस वो कुक होता रहेगा, ठीक है। सारा का सारा मीट इस तरीके से कुक होता रहेगा। ऊपर से कैसे दिख रहे जरा मेरे को एक बार देखने दो। यहाँ पे फोर्ज है तो ज़्यादा कुछ वो नहीं, यहाँ पे फोर्ज नहीं है, साइड में है ना, हो गया काम। ये फायर प्लेस के अंदर हमारा मीट कुक होता रहेगा, और यहाँ पे अभी मुझे स्टोरेज रूम बना लेना है अपना प्यारा सा, ठीक है। बस इनफ है इतने। स्टोरेज बॉक्सेस कहाँ पे लगा दूँ मैं, स्टोरेज रूम देखो मैं कैसा बनाता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। यहाँ से हम लोग आएंगे इस तरीके से, यह हमारा स्टोरेज रूम रहेगा। यहाँ पे भी वैसे लगा दें, छः, 1 6 लगाना है भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए बराबर है ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये अपना स्टोरेज रूम रहेगा। और एक और काम करेंगे यहाँ पे हम लोग लगा देंगे मैप, जिससे थोड़ा सा इधर कुल लुक आएगा। बाद में यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं लगा दूंगा, ठीक है। सो ये ऊपर वाला जो है गाइस वो हमारा स्टोरेज रूम है, एकदम ऊपर जो है ना टॉप पे हमारी फार्मिंग और फर्नेस वगैरह है। एंड यहाँ पे हम लोग हमारे जो गाइस इक्विपमेंट रहेंगे वो सारे के सारे बना देंगे। मैं यहाँ पे बेडरूम भी बनाता हूँ, रुको अपने लिए 10 बेड बना लो, ये 10 बेड में यहाँ पे लगा दूंगा। ओके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। चलो यहाँ पे बेड वगैरह लग चुके हैं, और स्मिथि वगैरह बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। एक काम करूँ, राफ्ट ले लो 1 2 ठीक है भाई, 3 3 राफ्ट, अगर इनकेस में मर गया समझ लो, ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, रुको रुको रुको, बैकअप, फुल बैकअप, फुल बैकअप। तो ये अपने राफ्ट है ना यहाँ पे, ऐसे और 2 राफ्ट रहेंगे अपने जो कि हम लोग बैकअप की तरह यूज करेंगे, एक यहाँ पे एंड दूसरी वाली जो रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। और एक काम कर लो, फाउंडेशन 1 2 दो फाउंडेशन, ओ फाउंडेशन पहले से बनी हुई थी मेरे पास, ठीक है। सो ये फाउंडेशन जो है वो लगेगी राफ्ट के इस तरीके से आगे, अपने राफ्ट के आगे साइड में फाउंडेशन लगे रहेगी, और इसके ऊपर बेड लगा देंगे, क्योंकि राफ्ट लेके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे अभी फिलहाल के लिए तो जाने वाले हैं। सो मरने के बाद वापस एक घर पे स्पॉन हो गया तो तेर तेर के उतने दूर कौन जाएगा बताओ। सो इसलिए बैकअप के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ये लगा देंगे बेड, ठीक है। लगा बेड, लगा भाई, नाइस वन, ठीक है। रुको यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही कर देना है, ये हमारी जो है ना फर्स्ट राफ्ट थी, इस पर भी सेम वैसे ही कर देना है। ये लग गया फाउंडेशन, अरे राफ्ट पे लगना वरना कहीं और लग जाएगा। एंड इसके ऊपर लगेंगे ये बेड, तड़ा। चलो गाइस, सो काम 25 हो चुका है। हम लोग ने एक आइलैंड पे कब्जा करके वहाँ पे खूबसूरत सा प्यारा सा घर जो है ना गाइस हमारे लिए वो बना लिया। अभी मुझे जाके मेटल फार्म करना पड़ेगा, और मुझे सबसे पहले जो है ना गाइस अपने लिए वेपन्स बनानी है भाई, ठीक है। मुझे वेपन्स बनानी है पावरफुल वाली, ताकि मैं उन भाई अगले का एक काम करते हैं, अगले एपिसोड में ना हम लोग वेपन्स असेंडेड वाली डायरेक्टली, अगले एपिसोड तक मैं ना असेंडेड वाली डायरेक्टली बना लूंगा यहाँ पे लॉन्ग नेक, और उसके अंदर जो है ना गाइस हम लोग डार्ट भी बना लेंगे, ठीक है। रुको एक काम कर लो, डार्ट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें हम लोग बना लेंगे, ताकि हमारा जो है ना गाइस अगले के अगले एपिसोड से टेमिंग का काम जो है वो चालू हो सके। यहाँ पे डाल, उसके लिए मुझे चाहिए होगा भर भर के चारकोल, वो चारकोल अभी हम लोग को इन फोर्ज के अंदर से मिल जाएगा ईजीली, ठीक है। मैं यहाँ पे चारकोल बनाने के लिए डालता हूँ, क्योंकि अगर मुझे लॉन्ग नेक वगैरह बनानी है तो उसके लिए ज़रूरत तो पड़ेगी भाई चारकोल की, काफ़ी ज़्यादा।
ठीक है, लॉन्ग नेक मतलब उसके डार्ट वगैरह बनाने, तो उसके लिए चारकोल की जरूरत पड़ती है। चलो डन, यहाँ पे हम लोग ने चारकोल बनाने के लिए डाल दिया है, बाकी बेरीज वगैरह मेरे पास पड़ी हुई है, नारकोटिक वगैरह हम लोग बना लेंगे। स्पॉइल मीट का थोड़ा सा सीन, भाई नहीं यार 200 भाई 226 स्पॉइल मीट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। चलो भाई मतलब एक आध मॉन्स्टर टेम करने लायक जो ना कि हम लोग डार्ट वगैरह बना सकते हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में अगर हमारी गन जल्दी बन गई ना तो अगले एपिसोड में हम लोग टेमिंग के लिए भी निकल लेंगे। ओके अभी पहले तो इसको भाई प्यास लगी है, मैं इसको भाई डुबकी मार के पानी पिला के आ जाता हूँ। आज का जो हमारा एपिसोड है वो हम लोग फाइनली यहीं पे खत्म कर लेते हैं। आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क मॉन्स्टर हंटर का। मिलते हैं सीधा के सबसे मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड में। हमारा जो घर है गाइस वो आपको कैसे लगा जरूर बताना। अगले एपिसोड से हमारी जो ना गाइस वेपन्स बनाने का काम चालू हो जाएगा और टीमिंग का काम भी चालू हो जाएगा। सो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना। और गाइस बहुत ज्यादा जल्दी हम लोग ट्री हाउस भी बनाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस, सी यू लेटर।